नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। आप देख रहे हैं भारत समाचार। तीन तलाक पर आज सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने जा रही है और ये बहुप्रतीक्षित फैसला कुछ ही देर बाद आएगा। तीन तलाक, जिसके बाद तीन तलाक को लेकर चल रही अटकलबाजी और सियासी बयानबाजी का दौर खत्म होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर, जिसमें मुस्लिम महिलाओं, जिनके हक की आवाज़ उठाई गई थी और जिन्होंने तीन तलाक का जो तरीका है, जो तीन बार तलाक लेने से एक रिश्ता अचानक से टूट जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और उस आवाज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको सुओ मोटो लिया, उसके बाद तमाम याचिकाएं दाखिल की गईं और उन याचिकाओं पर लंबी बहस चली, डे टू डे हियरिंग हुई। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने डे टू डे हियरिंग की, उसके बाद 18 मई को ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया और आज उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज तारीखी फैसला सुनाएगी इस मुद्दे पर। बहनों के लिए एक राहत का दिन होगा ये, जब ये फैसला आएगा कि ऐसी चीज जो संवैधानिक तौर से संविधान सम्मत नहीं है, कुरान सम्मत नहीं है, इंसानियत सम्मत नहीं है, एक ऐसी चीज उसको कम से कम हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट उसको गौर करे उस पर और उस पर ऐसा फैसला सुनाए जिससे हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी मुसलमान माओं को थोड़ी राहत मिले। इसको लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती रही है और लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि बीजेपी पूरी तरह से और हमारी सरकार पूरी तरह से हमारी मुसलमान बहनों के साथ है। देखिए, ये संविधान सम्मत सरकार है और हमारे संविधान में बराबरी का दर्जा दोनों लिंगों को दिया गया है। उसके अलावा कहा जाता है ये वोट बैंक की राजनीति है, तो राजीव गांधी ने भले ही वोट बैंक राजनीति के लिए शाहबानो के मामले पर किस तरह का वो टर्न किया, जो फैसला हुआ था उसको पलटा, लेकिन कम से कम ये सरकार पूरी तरह से अपनी मुसलमान बहनों के साथ खड़ी है और हम जानते नहीं वोट मिलेंगे कि नहीं, लेकिन इतनी दुआएं मिलेंगी ना सिर्फ सरकार को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये फैसला हमारी महिलाओं के हित में होता है। और सुबह शाम रात एक तो ये है कि आप फैसला सुना दें और कह दें कि भाई ये गलत है, लेकिन जो जो मर्द ऐसा काम करेंगे और अगर ट्रिपल तलाक देंगे कभी भी उनका जब मन उनका चाहे, तो ना सिर्फ वो ना जायज या गैर कानूनी समझा जाए बल्कि उनको सजा भी दी जाए ताकि वो आगे ऐसा मर्द ना करने की हिमाकत करें। और दूसरी बात, कुछ कॉम्पेंसेशन मुआवजा औरतों और उनके परिवारों को भी मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि शाजिया इल्मी कह रही हैं कि आज बहुत राहत भरा दिन हो सकता है महिलाओं के लिए, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं है, क्योंकि महिलाएं किसी जाति से जुड़ी नहीं है, महिला महिला है और उसको अपने हक की आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और जो महिलाएं इस दंश को झेल रही हैं वो महिलाएं सामने आईं और उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर देश भर में बहस हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया और फिर सभी दलीलों को सुना गया। इन दलीलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धर्म की नज़र में पाप है, क्या वो कानून की नज़र में पाप नहीं होगा। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा गया कि क्या निकाह के समय निकाहनामा में महिलाओं को तीन तलाक के लिए ना कहने का विकल्प दिया जा सकता है। जस्टिस खेयर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या संभव है कि किसी महिला को निकाह के समय यह अधिकार दिया जाए कि वो तीन तलाक को स्वीकार नहीं करेगी। कोर्ट ने पूछा कि AIMPLB के सभी काजियों को निर्देश जारी कर सकता है कि वे निकाहनामा में तीन तलाक पर महिला की मर्जी को भी शामिल करें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि तीन तलाक पर महिला की मर्जी को शामिल किया जाए, यानी कि जो महिलाएं जब निकाह करती हैं तो उनको भी इस चीज़ का हक होना चाहिए कि वो भी तीन तलाक दे सकें। लेकिन जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, वही एक लकीर के पीछे तमाम मौलाना जो इस के हक में खड़े हैं कि तीन तलाक जायज़ है, वो अब इस पर सवाल उठाने लगे हैं।
तो इस बड़ी बहस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कई बार डिबेट कर चुके हैं, और आज भी मेरे साथ तीन महत्वपूर्ण मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कृष्णकांत पांडे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और फिरंगी मैली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरंगी मैली जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही जी। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए भी। अरे यकीनी तौर पर आज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम दिन है। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक बहुत अहम फैसले, एक बहुत अहम मुद्दे पर अपना फैसला सुनाने जा रही है, और जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया कि हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा, जाहिर सी बात है वो मुल्क के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आएगा, जिसमें कि हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा हक और इख्तियार हासिल है। और तलाक़ के सिलसिले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तमाम दलीलें रख दी हैं, और हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह फैसला जो भी आएगा वो सबके हक में होगा। ये आप सबके हक की बात कर रहे हैं, तो सबके हक में मतलब महिलाओं के भी हक में होगा और पुरुषों के भी हक में होगा? अरे यकीनी तौर पर कोई शरीयत का कोई भी क्लॉज मुस्लिम औरतों पर कतई तौर पर कुछ जुल्म और ज़्यादती नहीं करता है। 3 करोड़ मुस्लिम औरतों ने सिग्नेचर करके लॉ कमीशन के सामने पेटिशन दिया, और उसमें इस बात को वाजे और औरतों ने किया कि उनको अपनी शरीयत में, इंक्लूडिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ में, कोई भी तब्दीली और रद्दबदल नहीं चाहिए। अगर कहीं 0.1% भी 3 तलाक का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसको चेक करना, उसकी रोकथाम करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी हाल ही में चंद महीने पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया और एक एडवाइजरी भी मुसलमानों को जारी की, जिसमें इस बात को वाजे कर दिया गया कि एट द टाइम ऑफ निकाह दुल्हा और दुल्हन को, दोनों को निकाहनामे पे सिग्नेचर करना होगा, जिसमें कि एक क्लॉज शामिल कर दिया गया है कि दोनों में से कोई भी 3 तलाक का गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं करेगा। इतने स्टेप्स लेने के बाद एक सवाल ये है कि रंगी मैली साहब, क्या एक सवाल ये है कि क्या ये जो एडवाइजरी जारी की गई, उस एडवाइजरी को मानते हैं? क्योंकि ये एक एडवाइजरी है, एक तरह से कहा जाए सुझाव है। अगर नौबत ये होती कि एडवाइजरी जारी करने से ही इस तरह की तस्वीर सामने ना आती, तो फिर आज मामला सुप्रीम कोर्ट में ना होता। क्योंकि अगर इस्लाम की बात करें तो ये जो तीसरी तरीके का तलाक कहा जाता है, तलाक बिदअत इसको कहा जाता है, यानी कि ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक है, तो इसको तो वैसे ही दरकिनार कर देना चाहिए। ये शरीयत का हिस्सा है, मुल्क में इतने कानून बने हैं और बहुत से कानून का गलत इस्तेमाल होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिरे से कानून ख़त्म कर दें, बल्कि उन कानून को का जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं उस सिलसिले में क्या चेक एंड बैलेंसेज इम्पोज किए जाएं, ये कोशिश की जाती है, और वही पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोशिश की है, और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इसमें इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। नहीं, तमाम बार ये हवाला दिया गया कि जो एक मुस्लिम धर्म है उसमें ये कहा गया कि 3 तलाक जायज़ है, कुरान में लिखा गया है, लेकिन औरतों ने यही सवाल उठाया कि 3 तलाक जायज़ नहीं है, कहीं भी कुरान में ये नहीं लिखा है। जब कुरान में नहीं लिखा है तो फिर इस चीज़ को बदल क्यों नहीं सकते हैं? क्या एक 3 शब्दों से एक पूरी औरत की ज़िंदगी को बदल लिया जाएगा, उसके सपने तोड़ दिए जाएंगे? कभी मैसेज से तलाक कर दिया जाता है, कभी फ़ोन से तलाक कर दिया जाता है, कभी बिना बस दूरी से ही तलाक कर दिया जाता है कि तलाक भिजवा दिया। तो ये एक बड़े अजीबोगरीब से फॉर्म सामने देखने को मिले। लोगों ने शरीयत को तो नहीं छोड़ा, शरीयत की आप बात कर रहे हैं कि शरीयत में कहा गया कि 3 तलाक है, लेकिन लोगों ने मैसेज का इस्तेमाल किया। उस वक्त तो जब शरीयत कानून बना तो उस वक्त मैसेजेस नहीं थे, फोन नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस नई टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल कर लिया तलाक देने के लिए, तो उसको भी तो जायज नहीं ठहराया जाना चाहिए ना? लेकिन जायज ठहराया जा गया। जी देखिए, ये कहना कि मैसेज के जरिए से, ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, या किसी ने कह दिया कि खाने में नमक कम हो गया, इसके जरिए से तलाक हो गई, या सिर्फ और सिर्फ टीवी स्टूडियो में इसको हाइप दिया गया है, टीवी स्टूडियो का क्रिएशन है, ग्राउंड रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं। लेकिन फिरंगी मैली साहब, तमाम तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो है,
तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, आप भी साक्षी रहे हैं, हम लोगों ने भी तमाम घटनाएं हुई, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की घटना हुई नहीं। अगर इस तरह की घटना ना हुई होती, क्योंकि क्योंकि अगर डिबेट होती है तो हवा में डिबेट नहीं होती, और पूरे देश का मीडिया अगर किसी चीज को बता रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होती है, और उसके बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक है, यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत तक है। कहीं ना कहीं औरतों को लगा कि उनका हक मारा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मेरी या आपकी बहन हो, उसको एक दिन अचानक ये बोल दिया जाए तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद उससे नाता तोड़ दिया जाए, और उसको महज जो मेहर की रकम होती है उसको टिका के रवाना कर दिया जाए, तो उसके सपने टूटते हैं, उनका भी तो कहीं हक है ना, इस पर भी तो कहीं रोक लगनी चाहिए ना। नहीं, यकीनी तौर पे आप जो बात दर्ज कर रहे हैं इसमें दो तीन बातें हैं। मैं पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वी हैव टू वेट फॉर द जजमेंट, इट्स ए बिग डे, लेट अस सी व्हाट द जजमेंट इज, ओनली आफ्टर द जजमेंट वी कैन कॉल। रोहतगी साहब कुछ बोल रहे हैं। सर, यू हैव आल्सो मेड एन अश्योरेंस इन द कोर्ट दैट सेंटर मे कम अप विद अ लॉ आल्सो टेकिंग टू सीकिंग ऑल द थिंग्स, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आई एम नो लॉन्गर द अटॉर्नी जनरल, I cannot now talk about the government. It's for the government to decide what they want to do. But everything will depend on the judgment first. Sir, but on a note of a former attorney general, you have put the point in front of the court, taking the side of the government. So we have, everybody has argued his points. No, we have to wait for the judgment. Thank you. How do you, what do you expect from nothing, this? Sir? I don't say, no. तो आपने देखा मुकुल रोहतगी का सदा सदा या बयान। हम लोग फिरंगी मैली साहब से बात कर रहे थे। फिरंगी मैली साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि इस्लामी शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ की बुनियाद सिर्फ कुरान नहीं है बल्कि कुरान और हदीस है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में दिया गया, क्या है, कितने वक्त की पढ़नी, कैसी पढ़नी, इसका इल्म हदीस से होता है। तो ये कह देना कि फलां चीज़ कुरान में नहीं है या हदीस में नहीं, इस वजह से नहीं मानेंगे, ये बात सही नहीं है। बल्कि कुरान और हदीस दोनों को मिल करके इस्लामी शरीयत बताई गई है। कोई ये कह दे कि किसी ने अपनी बीवी को बगैर किसी वैलिड रीज़न के एक बार में तीन तलाक कह दी और तलाक हो जाएगी, ये बात भी सही नहीं। उसको आकर के दारुल कज़ा में साबित करना होता है, शौहर और बीवी दोनों की बातें सुनने के बाद फैसला होता है। लेकिन फिरंगी मैली साहब, ऐसा होता कहाँ है? मैं आपको कई नज़ीर बता सकता हूँ कि ऐसा हुआ है। हमारे पास तमाम लोग आए, हमारे पास तमाम महिलाएं आई, और इस तरह के तमाम मुद्दे आपको भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक टॉपिक नहीं है। अगर अगर इस तरह के मुद्दे ना होते तो सुप्रीम कोर्ट में आज हालात ना पहुंचते और तमाम याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ ना उठाते। मेरा एक छोटा सा और वाजिब सा सवाल है कि महिलाओं को उनके हक की बात रखने का एक तो पूरा पूरा अधिकार है। मौलिक अधिकारियों की बात करते हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो मौलिक अधिकारियों की बात करता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भी तो कहता होगा कि महिलाओं का भी मौलिक अधिकार है। वो एक औरत जो 10 साल से उस घर को चलाती आ रही है, वो एक औरत जो बच्चों की माँ है, उसको आप अचानक नहीं बोल सकते तीन तलाक। उसी पे बात हो रही है, उसी पे आज फैसला भी सिर्फ इस पे आएगा कि तीन तलाक जायज़ है, यानी कि वो मौलिक अधिकार का हिस्सा है कि नहीं है। तो सवाल ये है कि जो तलाक के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो तलाक का तरीका अपना लिया गया वो तरीका गलत है, ये तो आप मानेंगे ना, जो लोगों के बीच में प्रचलित हो गया। देखिए, जो लोग तलाक का गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उनकी तादाद सिर्फ 0.1% है। टोटल जो तलाक के केसेस हिंदुस्तान में मुसलमानों में होते हैं वो सिर्फ 0.5% है, नॉन मुस्लिम्स में 3.5% है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 0.1% भी इसका मिसयूज़ ना हो, इस सिलसिले में बोर्ड ने ऑलरेडी कई कदम उठा चुके हैं, और औरतों को उनका मौलिक अधिकार मिले इस सिलसिले में बोर्ड आज से नहीं सन 1970 से कोशिशें कर रहा है, और उसमें हमें कामयाबी हासिल हो रही है, वो दुनिया के सामने है। नहीं तो फिरंगी मैली साहब, 1970 यानी कि 30 और 47 साल हो गए, 47 साल में आज 21वीं सदी में देश प्रवेश कर गया, तमाम हम लोगों ने, आपने, हमने मिलकर तमाम कुरीतियों को दूर भगाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी एक बहुत छोटी सी चीज़ जिस पे हम लोग सब लोग हामी भर सकते हैं कि हाँ ये तरीका गलत है। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि आपके घर की बहन, मेरे घर की बहन, मेरे कोई दोस्त जो मुस्लिम हो सकता है उसकी बहन, जब हम सुनते हैं तो दुख होता है कि ये कौन सा तरीका है कि आपने तीन तलाक दे दिया। तो लोगों ने जो सबसे कम
इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कुरान, जहां तक मेरी जानकारी है, कुरान में लिखा हुआ है कि तलाक बिदत, यानी कि जब आप इस तरह का तलाक लेते हैं तो पूरी धरती कांप जाती है, पूरी धरती हिल जाती है। तो इसको तो ऊपर वाले ने भी मना किया है कि इस तरह का जो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, इसको किसी तरह से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि जो जब पूरी कायनात हिल जाती है जिस शब्द को बोलने से, तलाक तलाक तलाक, यानी कि ये तलाक की बिदत है, तो उसको आपको ओवर रूल करके ये बताने में क्या दिक्कत है कि ये तरीका गलत है, जो इस तरीके को अपनाएगा उसका हम बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे हम आपको करेक्ट कर दें कि कुरान में कहीं भी लफ्ज़ तलाक बिदत का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये कह देना कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। आप, मैंने जो 1970 का तस्करा किया, उस ज़माने में 3 तलाक का बड़े पैमाने पर मिसयूज़ होता था। बोर्ड ने कोशिशें की तफ़ीम शरीयत की, इस्लाह माशरे की, दारुल क़ज़ा की तहरीकें चलाईं, पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ में बोर्ड में एक वुमेन सेल पूरा कायम किया गया। इन कोशिशों के नतीजे में अब तलाक के मिसयूज़ के केसेस सिर्फ और सिर्फ 0.1% रह गए हैं, लेकिन ये भी केसेस ना रह जाएं। इस सिलसिले में बोर्ड ने ऑलरेडी कई कदम उठाए हैं, आप लोगों के सामने हैं। पूरी उम्मीद है कि 2019 तक आते आते वो केसेस भी आना ख़त्म हो जाएंगे। आपको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह के कदम उठा रहा है वो काफ़ी हैं और महिलाओं के हक की बात करते हैं? अरे यकीनी तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कई कदम उठाए हैं, उसका तस्करा आपके सामने मैंने किया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी जो वुमेन विंग है उसको और ज़्यादा एक्टिव किया है। इधर पिछले तकरीबन 6 महीने में बोर्ड की वुमेन विंग ने तकरीबन 10 से 12 स्टेट्स में ऑलरेडी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करके मुस्लिम औरतों के अंदर अवेयरनेस और बेदारी पैदा की है, और हम समझते हैं इन कदम से 0.1% भी केसेस आना इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी अपनी भी जानकारी बढ़ाना चाहूँगा और दर्शकों की भी जानकारी बढ़ाना चाहूँगा। आपने कहा कि ये जो शब्द है तलाक बिदत ये नहीं है, तो क्या ये कहीं पर भी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तलाक बिदत, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था? ये तलाक बिदत का तस्करा ना कुरान में है ना हदीस में है। जो तलाक के 3 तरीके बताए गए उनमें से एक ये तरीका है। इस्लामी शरीयत में 2 तरीक़ों से तलाक देने का हक मर्द को दिया गया है और 2 तरीक़े से औरतों को दिया गया है। दोनों को बराबर का इख्तियारात दिए गए हैं और दोनों अपने इख्तियारात को बराबर से इस्तेमाल भी करते हैं। ये और बात है कि जो सही तरह जो जो जिन तरीक़ों को औरतें इस्तेमाल करती हैं अपने रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, वो मीडिया में रिपोर्ट बदकिस्मती से नहीं होते हैं। नहीं तो इसका मतलब औरतें बहुत कम करती होंगी, जिस तरह से आपने प्रतिशत गिनाया कि 0.1% तलाक होते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी औरत ये नहीं चाहती जिसने जिंदगी में शादी की वो दोबारा से वो तलाक जैसी चीज़ पे जाए, क्योंकि उसको बच्चों से लगाव होता है, उस घर से लगाव होता है। तो ऐसे मामले कम ही होते होंगे कि कोई महिला चाहे कि वो तलाक ले, क्योंकि हिंदुस्तान की सोसाइटी ऐसी है कि तलाकशुदा महिलाओं को बहुत सारे और भी दंश झेलने पड़ते हैं, तो महिलाओं की संख्या बहुत कम हो सकती है। और मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई औरत ये चाहती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर उसके साथ उसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको जीने का अधिकार जो है उससे भी अलग रखा जा रहा है, तो वो ज़रूर ये कदम उठाएगी और उसको उठाना भी चाहिए क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी भी है। तो कहीं पे ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से खुद ही तलाक लेना चाहती है। ज़्यादातर मामले, क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान देश हैं, हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि पहला अधिकार या पहली जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि इस तरह की तस्वीरें ना पेश हों। महिलाओं के बदकिस्मती से मामले नहीं सामने आते, मैं कहूँगा ये खुशकिस्मती है कि नहीं सामने आते हैं, क्योंकि वो चाहती है कि वो एक घर जब उसने बसाया है तो वो उसकी आखिरी सांस भी वहीं से निकले। ज़्यादातर यही केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन जब आप दहेज के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे, जब आप उसको जीने का हक नहीं देंगे, तो वो तलाक मांगेगी और वो तलाक जायज़ तरीके से मांगती है। महिलाओं को जो हक दिया गया है वो 3 तलाक से उसको अलग नहीं कर पाती है, वो कि 3 बार उसने तलाक 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 बोला और वो अलग हो गई। तो दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है फिरंगी मैली साहब। कोई अंतर नहीं है। जहाँ पे शौहर अपनी बीवी पे जुल्म करता है और उसको वो नहीं छोड़ता, बीवी चाहती है कि वो ऐसे शौहर के साथ, ऐसे जालिम शौहर के साथ ना रहे, तो इस सूरत में वो दारुल क़ज़ा से रुजू करती है और खुला या फस्क निकाह के ज़रिए से
قاضی صاحبان اس کے نکاح کو ختم کر دیتے ہیں, پھر یہ پروسیس ہے نا فرنگی میلی صاحب, یہ تو جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لیکن یہ ایک پروسیس ہے نا فرنگی میلی صاحب, اس پروسیس کے تحت جاتی ہے. ہم لوگ کا تو سوال ہی یہی اٹھ رہا ہے, جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی وہ یہی اٹھ رہی کہ ایک پروسیس کو ہی اپلائی نہیں کیا جاتا ہے. ہر جگہ سبھی جگہ طلاق لینے کا ہے, آپ کورٹ میں جا کے طلاق لے سکتے ہیں, لیکن ایک پروسیس کے تحت مہیلا جاتی ہے. لیکن یہ کس کو, کس نے ادھیکار دے دیا ایک آدمی کو کہ ایک عورت جس نے آپ کی 10 سال تک سیوا کی, 15 سال تک سیوا کی, 20 سال تک سیوا کی, اس نے آپ کے بچوں کو پالا بڑا کیا پوسا, اور ایک دن میں آپ اس کے سارے سپنے توڑ دیں گے, آپ 3 طلاق بول دیں گے, فون پہ 3 طلاق بول دیں گے, میسج پہ 3 طلاق بول دیں گے. تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ پرتیشت بہت گندا ہے, کھما کیجیے پرتیشت بہت کم ہے, لیکن ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے, مگر پھر میں واضح کرنا چاہوں گا جو بھی آپ اگزامپل دے رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, ان سب طریقوں سے قطعی طور پہ طلاق نہیں ہوتی ہے, پورا پروسیس فالو کیا جاتا ہے. پھر میں اس بات کو واضح کروں گا, اگر صرف 0.1% لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون ختم کر دیں. قانون میں سرٹن چیک اینڈ بیلنسز امپوز کیے جائیں اور وہ آلریڈی کر دیے گئے ہیں. آخری سوال آپ کو فرنگی ملی صاحب آپ کا, کہ آپ کو کیا امید لگتی ہے سپریم کورٹ سے کہ آج کس طرح کا تاریخی فیصلہ آئے گا؟ مجھے لگتا ہے فرنگی ملی صاحب سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے. میرے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے تھے, راکیش ترپاٹھی بی جے پی کے پروکتا, کرشن کانت پانڈے اور مولانا محمد حیدر صاحب, آپ کا بھی سواگت ہے. شکریہ. ہم لوگ اس کی چرچا کر رہے تھے کہ 3 طلاق, جی جی, تو 3 طلاق پہ ابھی آپ نے فرنگی میلی صاحب کو سنا, 3 طلاق پہ انہوں نے کہا کہ 3 طلاق میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے طلاق بدعت کا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا 3 طلاق میں طلاق بدعت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے, آپ نے جو سوالات ابھی کر رہے تھے بہت ہی اچھے سوال, اور یقیناً یہ قابل تعریف ہے اور اہم مسئلہ ہے. طلاق بدعت, اور بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہوا ہو. حضور اکرم کے زمانے میں, کیونکہ آپ ہی اسلام کی تبلیغ کی, اسلام کو پھیلایا, تو آپ کے زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. جو آج پریزنٹ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے طلاق 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 یا طلاق بدعت, تو زمانہ رسول میں یہ نہیں تھا. اور 3 طلاق کا الگ طریقہ ہے, باقاعدہ اس کا ایک پروسیس ہے, جیسا کہ آپ محترم مولانا فرنگی محلی صاحب نے فرمایا. تو لہٰذا اسلام کے اور رسول کی سیرت کے مطابق اگر مسلمان عمل کریں, جو حکم قرآن ہے, تو پھر کبھی بھی اسلام میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا اور کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. لہٰذا اسلام میں جو سیرت رسول ہے, جو حکم قرآن ہے, ہم کو چاہیے اور تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کریں کہ جو قرآن میں حکم پروردگار عالم نے دیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کو فقط کافی سمجھ کے سیرت رسول کو چھوڑا گیا, سیرت اہل بیت کو چھوڑا گیا, لہٰذا امت جو ہے اور مسلمان کہیں نہ کہیں بھٹک رہے ہیں اور انہی نے تفرقہ اندازی پیدا کر دی. جی راکیش جی, میں آپ کے پاس آؤں گا, اس سے پہلے ہم لوگ سیدھے چلتے ہیں سپریم کورٹ, جہاں پر ہمارے سنواداتا دلی کے بیورو چیف نیرج پانڈے موجود ہیں. نیرج, اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس, کب تک یہ فیصلہ آنے کی امید ہے؟ شی جی, میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی جو سمویدھان پیٹھ ہے وہ 10:30 بجے بیٹھے گی, اور 10:30 بجے کے بعد اس کی سنوائی شروع ہوگی, اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ آنے کی مانا جا رہا ہے. کہ فیصلہ چونکہ سرکشت رکھ لیا تھا 18 مئی کو ہی, تو آلریڈی بن کر تیار ہے, بس کیول سنانا باقی ہے. تو یہ مان کے چلتے ہیں ہم لوگ کہ 11 بجے تک جو فیصلہ ہے وہ باہر ہم لوگ تک پہنچ جائے گا, میڈیا تک پہنچ جائے گا, اور اس کے بعد ہی وہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اتنا طے ہے کہ پہلی بار کسی مہتوپورن مسئلے پر بات شروع ہوئی, کسی مہتوپورن مسئلے پر چرچا شروع ہوئی, اور آج ایک ایسی استھتی پہنچی جہاں نرنائک استھتی پہنچی. یدی یہاں پر شریعت کے خلاف معاملہ جاتا ہے تو نشچت روپ میں سینٹرل گورنمنٹ کو ایک موقع ملے گا, اور کیندر سرکار اس پہ قانون بنانے کے لیے اگرسر ہو جائے گی اور قانون بنانے کی طرف آگے قدم بڑھائے گی, کیونکہ سرکار نے پہلے ہی اس طرح کے سنکیت دے دیے ہیں. نیرج, میں آپ کو یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کتنی یاچکائیں تھیں, کس کس نے یہ یاچکا داخل کی, اور کس طرح سے پوری سنوائی ہوئی؟ درشکوں کو ذرا ایک بار بتائیے کہ یہ پورا مدعا سپریم کورٹ تک کیسے پہنچا.
देखिए, सबसे पहले इसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो गठित है, महिला पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया और उसने अपना उसने अपनी अपील दायर की और उसके बाद 11 मई से इसकी कंटिन्यू सुनवाई शुरू हुई और 6 दिन लगातार इस मसले पर सुनवाई हुई और उसके बाद 18 मई को इस पर फैसला रिजर्व रख लिया गया। तमाम तरह की चर्चाएं हुई, तमाम तरह की बातें आई उस दौरान कोर्ट में, इस तरह की भी बातें आई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बयान देना पड़ गया और कहना पड़ गया कि जब किसी महिला के संवैधानिक अधिकार को कैसे मारा जा सकता है, किसी महिला के अपने जो मूल अधिकार हैं उस पर अगर अगर वो नहीं चाहती है और उसको इस तरह का उसकी बिना इजाजत के तलाक दिया जाता है तो ये कानून का अमली जामा नहीं है। तो तमाम तरह की जब इस तरह की बातें आई तो साफ तौर पर, लेकिन एक साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी धर्म के किसी भी धर्म में जो कानून है उसको खत्म करने का प्रावधान या कोई नया कानून बनाने का प्रावधान कोर्ट के पास नहीं है। कोर्ट ये तो है कि किसी महिला के मूल अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कवायद कर सकती है, कदम उठा सकती है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, संसद को है। एक सवाल ये कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 तलाक पर ही फैसला सुनाएगी या फिर हलाला और बहुविवाह जैसे जो मुद्दे और भी थे उन पर भी फैसला सुनाएगी? जी नहीं, आज बिल्कुल केवल एक ही मुद्दा है और वो है 3 तलाक। बहुविवाह और हलाला के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बाद में सुनवाई करेंगे, जो कि इस मुकदमे के साथ ही वो दोनों मामले भी क्लब थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसने उन दोनों मामले को सेपरेट रखा है और सिर्फ 3 तलाक के मुद्दे पर ही सुनवाई शुरू की थी और आगे बढ़ाते। उन्होंने साफ कहा था कोर्ट की जब खंडपीठ के सामने ये मामला आया था तो उसी समय उन्होंने साफ कहा था कि एक एक मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि ये किसी एक एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे धर्म का मामला है, तमाम करोड़ों लोग से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए हर मुद्दे पर बहुत विस्तृत चर्चा की जरूरत है और हर मुद्दे पर बहुत बारीक जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि अलग 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 जगह पर रख के इस पूरे मुद्दे को देखा जाए क्योंकि 3 तलाक का मुद्दा अलग महत्वपूर्ण है, बहुविवाह, उसके अलावा हलाला, ये तीनों मुद्दे जो हैं वो तीनों मुद्दे अलग अलग हैं। अभी वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस बहस को आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट एक तारीखी फैसला सुनाने वाली है जिसके बाद 3 तलाक, जिस पर देश भर में लगातार 70 सालों से भी ज़्यादा समय से चर्चा होती चली आ रही है और जिस तरह से फिरंगी मैली ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर काम कर रहा है, लेकिन अगर काम ढंग से किया होता तो आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल गैर इस्लामी है, गैर कुरानी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, 2 सगी बहनों पर तेजाब से हमला, सोध गांव के ही 4 दबंगों ने किया हमला, बहनों को बचाने आए 2 भाइयों पर भी तेजाब फेंका गया, 4ों को जिला अस्पताल के 1 वार्ड में भर्ती कराया गया है। एसएसपी, एसपी रूरल, एसपी क्राइम पहुंचे जिला अस्पताल, पीड़िता के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1 आरोपी गिरफ्तार हैं जबकि 3 फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं टीमें। नवाबगंज के टाडा सादात की घटना है, पहले भी 2 बहनों को दबंगों ने जिंदा जलाया था, जलाकर मारने का मामला पहले भी सामने आ चुका है, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के क्राइम देखने को मिल रहे हैं उसकी एक कड़ी में ये और अपराध जुड़ गया है जहां 2 सगी बहनों पर तेजाब से हमला किया गया है। सोध गांव का मामला है, 4 दबंगों ने हमला किया और 2 भाइयों पर भी तेजाब फेंका गया, 4ों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी, एसपी, एसपी क्राइम जिला अस्पताल पहुंचे हैं और पीड़िता के बयान के बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जबकि 3 फरार हैं। आरोपियों के लिए टीमें गठित की गई हैं। नवाबगंज के टाडा सादात की घटना, पहले भी 2 बहनों को दबंगों ने जिंदा जलाया था, जलाकर मारने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ब्रेकिंग, याचिकाकर्ता और वकील पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल कोर्ट नंबर 1 पहुंच गए हैं, याचिकाकर्ता सायरा बानो भी पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट। बहुप्रतीक्षित फैसला जिस पर देश भर की निगाहें जुड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं, उनमें से कपिल सिब्बल जो कि
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हैं। और इसके बाद एक और ताज़ा खबर ये आ रही है कि जजेस ने, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ है, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। यानी कि जो लंबी बहस हुई और उस बहस के बाद जो जजों ने अपनी राय बनाई है कि तीन तलाक पे आखिरकार क्या होना चाहिए था, जो इंतज़ार था सबको कि क्या फैसला आएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ता सायरा बानो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए भी जो वहां के वरिष्ठ वकील पहुंच चुके हैं, कोर्ट रूम में फैसला सुनाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कोर्ट रूम में फैसला सुनाना शुरू हो गया है तीन तलाक के मुद्दे पर, जिसको लेकर तमाम पूरे देश में तमाम जगह चर्चाएं हुई, बहस हुई, मीडिया की डिबेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। और अब चलते हैं सीधे वापस इसी मुद्दे पर जो बहस जारी थी उस पर चलते हैं। राकेश जी, यही वो मुद्दा है जिसको आप लोगों ने भुनाया था अपने चुनाव के दौरान। देखिए सुरेश जी, ये मुद्दा केवल किसी मजहब का मसला नहीं है। नहीं, मजहब का क्यों नहीं है मसला? मसला नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या हिंदुओं में क्या तीन तलाक होता है क्या? नहीं नहीं, ये मसला महिलाओं से जुड़ा मसला है। ये मसला मूवमेंट, अभी आपके जो समाचार चैनल पर जो खबर चल रही थी कि बरेली में महिलाओं लड़कियों पर तेजाब फेंका गया, ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम में है कि महिलाएं हमारी बात मानेंगी, नहीं मानेंगी तो दंड भुगतना पड़ेगा, उनको छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे, ये पैट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज करने वाला मसला है। सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का वहां जाना, अपनी बात रखना, मुझे लगता है अपने आप में काबिले तारीफ है। आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में एक नजीर खड़ा करेगा कि क्या महिलाओं को बराबरी का हक है या नहीं है। जिस तरह से मजहब की आड़ में उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आज मुझे लगता है कि यह प्रयास अपने आप में टूटेगा कि महिलाओं को भी। राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नीरज पांडे जो हमारे ब्यूरो चीफ है दिल्ली के, उनके पास कुछ अपडेट है। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? सिग्नल गया। शेख जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, अंदर से जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि ट्रिपल तलाक कोर्ट बरकरार रख सकती है। ट्रिपल तलाक कोर्ट बरकरार रखने के मूड में है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है। महिलाओं के मूल अधिकार को भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ये अभी तक सूचना आ रही है, ऑफिशियल अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, ऑफिशियल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक मामला बाहर नहीं आया, लेकिन अंदर से जो जानकारी मिल रही है कोर्ट ने संभवतः इस पर अपनी सहमति जताई है। क्या थोड़ा सा साफ करेंगे कि क्या सहमति जताई है कि तीन तलाक जो है वो सही है, ये सही ठहराया है? ट्रिपल तलाक बरकरार रहेगा, क्योंकि जो शरीयत में अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शरीयत में ट्रिपल तलाक का प्रावधान है, तो उसको बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसमें महिलाओं को भी अधिकार दिए जाने की वकालत की गई है। क्या पूरा फैसला है ये थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन अभी धीरज मैं आपसे आगे भी अपडेट लेते रहूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है और इस पूरे बड़े फैसले पर हम लोगों को विस्तृत जानकारी लेनी है। और आखिरकार कोर्ट ने अपने जो जजमेंट है उसमें क्या कहा है, उसके लिए थोड़ा सा हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। आप भी नजर बनाए रखिए। राकेश जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, संवैधानिक पीठ है, पांच जजों की बेंच है, पांच जजों में अभी जस्टिस केहर का, जैसे आपके चैनल के द्वारा है, जस्टिस केहर ने फैसला पढ़ना शुरू किया है। मुझे लगता है पांचों जजों की अलग अलग राय है, अलग अलग राय में बहुमत किस राय का होगा और उसके आधार पर फैसला पढ़ा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मुझे लगता है संसद को भी यह पावर होगी कि वो इस मसले पर एक कोई कानून बनाए और कानून बना करके उन मुस्लिम महिलाओं की रक्षा करे। कानून तो आप पहले भी बना सकते थे। देखिए, ये मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे मसले पर जिससे मजहब जुड़ा होता है, राजनीतिक, भाजपा के साथी जो कह रहे हैं मजहब से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, लेकिन उसी बात को दो बार कह रहे हैं, क्योंकि उनका डबल स्टैंडर्ड हर जगह रहा है तो यहाँ भी रहेगा। अभी ये पांच जजों की जो भी पीठ का फैसला आएगा, चाहे वो तीन तलाक के पक्ष में आए, विपक्ष में आए, लेकिन ये सच है कि तीन तलाक का जो मुद्दा है,
यह कहीं इतना ज्यादा पूरे देश में नहीं। हाँ, कुछ महिलाएं जरूर परेशान हैं, हमारी संवेदना उनके साथ होगी, उनके साथ ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसा फिरंगी महली साहब कह रहे थे कि तीन तलाक पे महिलाओं को भी कुछ अधिकार है जो पुरुषों को वो तलाक दे सकती है, ऐसा जैसा वो बता रहे थे। और निश्चित रूप से कोर्ट अगर कोई जजमेंट करेगी तो इनके कुरान और शरीयत का ध्यान अवश्य रखेगी, जैसे हमारे हिंदू लॉ में भी है, हमारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लौकिक आधार पर हम लोग उसको फॉलो करते हैं, और उसी तरह से इनमें भी है। और तीन तलाक का जैसा आया कि शायद 1% पूरे देश में यह मामला। पंडित जी, मैं आपको रोकना चाहूँ, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, तीन तलाक को बरकरार रखा गया है, जिस तरह की सूचनाएं अभी तक आ रही हैं कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि फिलहाल तीन तलाक बरकरार रखा जाएगा। ये एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक पर उनका यही मानना है कि अब केंद्र सरकार संसद से कानून बनाए, चीफ जस्टिस ने कहा है, यानी कि गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, उसने कहा है कि वो कानून बनाए और तीन तलाक बरकरार रहेगा। जिस तरह से सभी की निगाहें लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या फैसला आएगा, जो संवैधानिक पीठ है वो क्या फैसला सुनाएगी, उसने ये अपना निर्णय दिया है, बड़ा निर्णय कि तीन तलाक बरकरार रहेगा, तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली से बड़ी खबर। पूरे देश की निगाहें जिस फैसले पर लगी हुई थी, वो फैसला आ चुका है और उसमें साफ कहा गया है कि तीन तलाक बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस खेहर ने ये फैसला सुनाते हुए बताया और ये कहा कि इस पर दखल देने से इनकार किया है, अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, और ये भी कहा गया है कि इस पर कानून बनाकर आगे इस पूरी बड़ी जो बहस है उसका अंत किया जाए, जो केंद्र सरकार चाहे वो करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से भी इनकार किया और ये भी कहा है कि तीन तलाक को बरकरार रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बार बार तमाम समाज सेवी संगठन, तमाम याचिकाकर्ता इसको खत्म करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तीन तलाक जो है, जो रीति है, जो पद्धति है, वो अभी चलती रहेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगाई है फिलहाल। और ये कहा है कि तीन तलाक पर छः महीने, केंद्र सरकार छः महीने में कानून बनाए, ये भी कहा है केंद्र सरकार छः महीने में कानून बनाए। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ये भी कहा गया है कि तीन तलाक बरकरार रहेगा और छः महीने में कानून बनाने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छः महीने में केंद्र सरकार कानून बनाए, यानी कि बीजेपी यानी एनडीए की जो सरकार है अब उसके हाथ में है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है जिसको बीजेपी ने, यहाँ तक कि जो मोदी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी उठाया था और ये कहा था कि क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है। और तीन तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था और ये कहा गया था कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि मुस्लिम महिलाओं ने जो बीजेपी को वोट डाला था उसके पीछे ये था कि उनके हक की आवाज़ उठाई गई थी। लेकिन आज जो फैसला आया है वो तीन तलाक पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, तीन तलाक बरकरार रहेगा। ये बड़ी खबर भारत समाचार पर, बड़ी खबर कि तीन तलाक बरकरार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है, यानी कि अब उसने कहा है कि केंद्र सरकार इस पर अपनी राय बनाए, उसके बाद कानून बनाए, फिलहाल तीन तलाक पर छः महीने की रोक है। ये फैसले, ये अभी जो तुरंत तुरंत जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि तीन तलाक पर फिलहाल छः महीने की रोक है। ये एक नई बात सामने आ रही है क्योंकि जैसे जैसे फैसला सामने आ रहा है वैसे वैसे नए नए उसके आयाम देखने को मिल रहे हैं, नए नए जो कारण हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट ने क्या कहा है। हम सीधे रुक करते हैं अपने साथियों के साथ जो कि हमारे बहस में शामिल जी, क्या जाना चाहिए और वही सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है, फैंटास्टिक। इट्स फैंटास्टिक, इट इज व्हाट मुस्लिम मेन एंड मुस्लिम वुमेन एंड प्रोग्रेसिव मुस्लिम मेन एंड वुमेन हैड बीन होपिंग फॉर, फाइटिंग फॉर, कैंपेनिंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। The Supreme Court has given a verdict banning triple talaq, the practice of triple talaq till Parliament meets, because the Parliament has said that the central government had said that they are prepared to bring in a new law. So when the Parliament meets next, the new law will be coming in. Till then, this is banned, which is what we had wanted. So. तो बड़ी खबर आपने सुनी, छह महीने के लिए तीन तलाक पर रोक। कोर्ट ने कहा कि संसद तीन तलाक पर कानून बनाए, यानी कि तीन तलाक पर छः महीने की रोक लगा दी गई है। पूरी तरह से रोक नहीं है, छः
महीने की रोक लगाई है, ये खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। और ये कहा है कि 6 महीने में केंद्र सरकार इस पर एक कानून बनाए और ये कानून बनाकर इस पर कोई फैसला ले, यानी कि 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। ये एक बड़ा फैसला आया है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बार बार, जैसे जैसे इस फैसले की प्रतियाँ ये और जो फैसला लिया गया वो बाहर आ रही हैं, तो नए नए इस पूरे फैसले के आयाम बाहर आ रहे हैं कि 5 जजेस की जो खंडपीठ है उसने किस तरह का फैसला लिया है। 6 महीने के लिए 3 तलाक पर रोक, ये एक बहुत बड़ी खबर है भारत समाचार पर कि 3 तलाक पर 6 महीने की रोक लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि संसद 3 तलाक पर कानून बनाए, यानी कि अब केंद्र सरकार के पाले में है कि क्या वो 3 तलाक के मुद्दे पर कानून बनाती है, क्योंकि विधि आयोग जिसने 16 बिंदुओं को रखा था और ये कहा था। अब आप सुन सकते हैं जफर याब जिलानी साहब क्या बोल रहे हैं इस पूरे फैसला आने के बाद। कैरी ऑन अवर रिफॉर्म प्रोग्राम थ्रू आउट द कम्युनिटी एंड टू इंश्योर दैट दिस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल डाइवोर्स इन वन सिटिंग without any lawful justification may come to an end or at least is reduced to the nominal extent so that there may not be any demand for its abolition or for any bringing any legislation. जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ताल्लुक है कि उसने इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं किया, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मज़ीद तकवीत मिलेगी और देश में सेकुलरिज्म और रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी इस पर और इजाफा होगा और ये देश डेमोक्रेसी इसकी इससे स्ट्रेंथन होगी। और जहाँ तक कि इस प्रैक्टिस का ताल्लुक है कि ये 3 तलाक एक वक्त में बगैर किसी लीगल जस्टिफिकेशन के देना, इसको कर्ब करने के लिए और ख़त्म करने के लिए हम बहुत ही हेक्टिक एफर्ट्स करेंगे और पर्सनल लॉ बोर्ड की सिलसिले में मीटिंग भी वर्किंग कमेटी कन्वीन कर ली गई है जजमेंट को स्टडी करने के लिए 10 सितंबर को, और 10 सितंबर की मीटिंग के बाद हम मज़ीद डिटेल्स उस पर देंगे। लेकिन ये अश्योरेंस जो हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया कि हम इसमें इसको प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए ये भी एफर्ट अडॉप्ट कर सकते हैं कि जो काजी हैं उनसे निकाह पढ़ाने वाले उनसे कहें कि वो हस्बैंड और वाइफ दोनों जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को ये बात बताएं कि 3 तलाक एक वक्त में देना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है और इसलिए अगर वो चाहे तो ये निकाह नामे में इसको रखा जा सकता है कि वो 3 तलाक एक वक्त में बगैर किसी कंपेलिंग रीज़न के या बगैर वाइफ की डिमांड के नहीं दी जाएगी। इस टाइप की बात निकाह नामे में लाने के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट से कह भी चुके हैं और इसको हम कैरी ऑन करेंगे और बोर्ड की मीटिंग जो हो रही है 9-10 सितंबर को उसमें इस सिलसिले में मजीद स्ट्रेटजी तय करेंगे। कहाँ पे की जाएगी सर? ये मीटिंग भोपाल में हो रही है, भोपाल में होगी 10 सितंबर। है? छह महीने के लिए 3 तलाक पर रोक लगा दी है, बड़ी खबर आ रही है। और अब मेरे साथ मेरे गेस्ट पैनल हैं जो इस पूरे मुद्दे पर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक 6 महीने के लिए इस पर रोक लगाई है और ये कहा है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम और बड़ा फैसला है और बहुत ही बेहतर फैसला है कि यकीनन
इस मुद्दे के ऊपर गौर व खौस की सख्त ज़रूरत थी कि जो ये माशरे में जिसमें ख़वातीन पे जुल्म हो रहा था और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे लोग तलाक 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 करके, और ये बिल्कुल खिलाफ इस्लाम खिलाफ फितरत था। लिहाजा ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, कोर्ट के फैसले का मैं इस्तकबाल करता हूँ कि यकीनन इसके मुद्दे के ऊपर गौर किया जाए और मज़ीद एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे शरीयत और इस्लाम सुरखरू रहे और उसमें कोई किस्म की ऐसी बात ना हो कि जो खिलाफ इस्लाम या खिलाफ कुरान हो सके। कुछ लोग बनाम इस्लाम बनाम कुरान मज़हब को बदनाम करने के लिए बिदअतें कायम कर देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल मुतमईन हूं और मज़ीद मैं उम्मीद रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो जितने वहाँ के हुक्मरान हैं वो एक अहम इस सिलसिले में कदम उठाएँगे कि जिससे तमाम ख़वातीन का तहफ़ुज़ हो सके और इस्लाम का तहफ़ुज़ और इस्लाम का जो है नाम सुरखरू और सरबलंद। मोहम्मद मुश्ताक साहब मेरे साथ हैं जो कि अध्यक्ष हैं सुन्नी बोर्ड के। मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जी मुश्ताक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि 6 महीने की रोक लगाई है 3 तलाक पर और ये भी कहा है कि दखल देने से इनकार भी किया और ये कहा है कि 6 महीने के अंदर सरकार यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाए। जी आप इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? देखिए ये फैसला जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हम इसकी कदर करते हैं और इसका इस्तकबाल करते हैं और आज वो कानून शरीयत इलाहिया का कानून जो तलाक़ का कानून है हमारा उस कानून की अदालत अदलिया के ज़रिए से हिफाजत हुई है और ख़ास तौर पर ये इसका बस एक फ़ायदा ये हुआ है कि इसका जो मिसयूज़ जिहालत की वजह से कुछ लोग करने लगे थे उस मिसयूज़ का खात्मा होगा और बहरहाल आइंदा के लिए जो इस तलाक के ताबड़तोड़ तलाक के ज़रिए से जो औरतों का हक मर रहा था वो बचेगा। मुश्ताक साहब आप कह रहे हैं मुश्ताक साहब आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है आपने कहा ताबड़तोड़ मिसयूज हो रहा था लेकिन अभी फिरंगी वाली साहब बैठे थे वो कह रहे थे सिर्फ 0.1 मिसयूज होता 0.1% जबकि हम लोग तो हर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले की जो मुहिम शुरू की और इस पर जो कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसके बाद जो तब्दीली आई है वो 1.1% ही रह गई थी और अब उम्मीद ये है कि ये भी ख़त्म होगी और इस तरीके से जो एक निकाह के ज़रिए से जो ताल्लुक़ होता है वो ताल्लुक़ ज़रा ज़रा सी लड़ाई और ज़रा सी झगड़े से ख़त्म नहीं होगा बल्कि इसको इसलाह करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी और इसी की फ़िक्र ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी की है और इसको और मज़ीद आगे इसकी कोशिश की जाएगी जी। राकेश जी अब फैसला आ गया है 6 महीने की रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये कहा है कि केंद्र सरकार यानी कि एनडीए की सरकार जो है वो कानून बनाए। अब तो आपके पास मौका भी है मुद्दा भी है और इजाज़त भी है। देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि 3 तलाक को 6 महीने के लिए रोक दिया जाए। रोक देने के निर्णय से स्पष्ट है कि कुछ गलत है इसलिए रोक देना चाहिए पहली बात। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के पूरे निर्णय को जब पढ़ा जाएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लिए हैं क्या क्या दलीलों को स्वीकार किया है और उसके आधार पर यह फैसला लिया है। यह कानून बनाने में मुझे लगता है संसद को बहुत मदद मिलेगी। मैं इसी मदद की अपेक्षा कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से संसद को कानून बनाने में एक ऐसा मसला जो एक मजहब के साथ जुड़ जाता हो जिसमें मजहब के आड़ में बहुत सारे लोग तमाम तारी बातों को एक जामा पहनाते हैं मुझे लगता है बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी मिलेगा आपको इससे। देखिए मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकल माइलेज का मसला नहीं है ये वुमेन्स स्टेबिलिटी का मसला है। चुनाव में क्यों उठाया था? नहीं निश्चित तौर पर ऐसे जो भी मसले जो जनसामान्य से जुड़े होंगे तो मिलेगा ना आपको
अगर मिलता है तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं है, नहीं, मिला अगर, आपको नहीं, मैं माइलेज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं माइलेज की बात कर रहा हूं। अगर मुस्लिम महिलाओं के मसलों को उठाने से पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो जरूरी है, हम माइलेज लेने को तैयार हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मनीष तिवारी कुछ बोल रहे हैं। The initial reports which are coming in suggest that the Supreme Court obviously thought that Article 25 of the Constitution of India gives everybody the right to practice, preach and propagate religion according to their faith and conscience. And obviously they have felt that certain religious practices which may be intrinsic to a particular faith are otherwise reprehensible. Their reform either lies within the domain of the community or it lies with Parliament. If you recall, Parliament through the Constitution of India abolished untouchability right at the inception of the Constitution. At that point in time, somebody could have argued that untouchability was intrinsic to the Hindu faith. So therefore, the Supreme Court has really entrusted it to Parliament and to the community in their wisdom to see as to how they would deal with this particular issue. देखिए, इसके ऊपर विस्तृत टिप्पणी करने के लिए तो जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है उसको संज्ञान में पूरी तरह से लेने की जरूरत है, पर जो अभी तक सार्वजनिक हुआ है उसके हिसाब से ये लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने धारा 25 को, जो संविधान की धारा 25 है, उसको अपने संज्ञान में रखते हुए इसको संसद के विवेक पे छोड़ा है या उस समुदाय के विवेक पे छोड़ा है कि इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। और अगर आप संविधान के इतिहास में जाएं तो जब संविधान बना ही था उस समय जो ये छुआछूत की बीमारी थी जो खासकर हिंदू धर्म में थी, उस समय संविधान में एक धारा डाल के ये जो छुआछूत है उसको खत्म किया गया था। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय ने जो चुने हुए लोग हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 543 लोग लोकसभा में चुन के आते हैं, जो राज्यसभा में 245 लोग चुन के आते हैं, उनके विवेक पे छोड़ा है कि इसके इससे कैसे निपटा जाए। सर, एक छोटा सा आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सीजीआई ने ये कहा, अगले 6 तो आपने सुना मनीष तिवारी ने कहा है कि जिस तरह से हिंदू धर्म में छुआछूत की एक समस्या थी, उसके बाद संसद में कानून बना और उस संसद में कानून बनने के बाद ये छुआछूत की जो समस्या थी ये जड़ से ख़त्म हो गई। लोकेश राय मेरे साथ हैं गाज़ियाबाद से, जहां पर उनके साथ कुछ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं जिनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और उन्होंने कहा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये बताइए कि जो महिलाएँ हैं वो इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं। देखिए श्रेय जी, बहुत सही बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना चाह रही थी और उन्होंने एक तरीके से फिर से जो नेता हैं, जो हमारी पार्लियामेंट्री है, उस पर ये दायित्व सौंपा है। हालांकि महिलाओं की ये बड़े लंबे समय से आज थी कि उस तरीके के कानून आए, क्योंकि हमारा देश अगर कहा जाए तो इजिप्ट से तकरीबन 90 साल पीछे है। इजिप्ट ने इसे 1929 में ही ख़त्म कर दिया था और इसके बाद लगातार 22 देश ऐसे हैं जहां पर जो तलाक, तीन तलाक का मामला, जो ये कानून है, पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की रोक लगाते हुए इस मामले में आगे जो है पार्लियामेंट्री पर ये पूरा दायित्व सौंपा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं हैं जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं, इनसे एक टेक्निकल और जो लीगल राय है इसकी वो जानना चाहेंगे। मैडम, आप बताइए किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि एक लंबे समय तक इसमें जिरह चली है, महिलाओं की बात भी रखी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कानून बनाने को लेकर के दिया है, ऐसे में किस तरीके से देखती हैं आप इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, रोक लगाई है फिलहाल 6 महीने के लिए, वो गलत नहीं लगाई है, बल्कि मैं तो इस... तो आपने सुना कि महिलाओं को कहना है कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए रोक लगाई है वो गलत, वो ठीक है। ट्रिपल तलाक को आज की तारीख से अवैध करार दे दिया गया है। क्या 6 महीने के लिए किया गया? नहीं, हमेशा के लिए।
चीफ जस्टिस साहब का एक माइनॉरिटी ओपिनियन है जिससे जस्टिस नजीर को इत्तेफाक है, उसमें उन्होंने यह कहा कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि आर्टिकल 25 ये एक एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस है और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन मिला हुआ, इसलिए अन इस्लामिक नहीं है। तो आपने सुना कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर भारत समाचार पर कि 5 में से 3 जजेज ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, यानी कि जो 3 तलाक का मुद्दा है वो अब एक नए इसके आयाम दिख है। उन जजमेंट्स के तहत उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को पे आधारित ये बात कही है कि ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल गैर इस्लामी है, गैर कुरानी है और क्योंकि वो आर्बिट्रेरी है इसलिए ट्रिपल तलाक इलीगल है और उसको आज की तारीख से ही सेट असाइड किया गया। लेकिन क्या ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये मेजोरिटी ये फैसला कम अज कम 2 जजेस ने तो ये बिल्कुल साफ बात लिखी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिस कुरियन एक मिनट बात सुन लीजिए पूरी, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अब जो फैसला अभी सुनाया है उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि हाँ इट इज आर्बिट्रेरी एंड इट इज सेट असाइड, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी और सेट असाइड जाहिर है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पर ही किया होगा उन्होंने वो भी सेट असाइड, तो 3 जजेस ने आप मान लीजिए कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और सेट असाइड किया है। 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जो कानून बनाने की बात है वो माइनॉरिटी जजमेंट में, उसका कोई मतलब नहीं है आज की तारीख। एक बात और जरा बताइए जी, क्या जो कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि सरकार कानून बनाए 6 महीने में, ये सरकार को निर्देश है या कहे क्या? नहीं साहब, सरकार को निर्देश है कि आप एक जो है कार्रवाई शुरू कीजिए कानून बनाने के लिए, उसके साथ ये कहा है कि अगर उस अगर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस कानून के ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक जो है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं, तब तो जब तक वो कानून पास नहीं हो जाता तब तक वो इंजंक्शन चलेगा, लेकिन अगर उसके ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक को अपहोल्ड किया जाए तो बस उसी वक्त वो इंजंक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें बेमायने इसलिए हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेजॉरिटी जजमेंट विल रूल, द जजेस जजमेंट ऑफ द 3 जजेस जिसके बेसिस पे फाइनल ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर ये है कि ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड फ्रॉम टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट जजेस। ये बड़ी खबर आई है कि 5 जजेस की जो खंडपीठ है उसमें से 3 ने कहा है कि यह सब वैधानिक है और इसको सेट असाइड कर दिया है, गैर इस्लामी गैर कानूनी करार दिया है। ये एक नया डेवलपमेंट है जो कि शुरुआत में खबर आ रही थी कि 6 महीने के लिए रोक लगाई है 3 तलाक पर, लेकिन उनका कहना है, जो वकील है उनका कहना है कि ये माइनॉरिटी जजमेंट है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर साफ तौर पर अब इस फैसले को देख इस तरह की अगर प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस में लाई जाती है तो वो इनवैलिड होगी। सबसे बड़ी बात यही है और होना भी चाहिए क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम मजहब की बात करते हैं तो हम मजहब में वही चीजें फॉलो करेंगे जो हमारा मजहब कहेगा, जो चीज मजहब कह ही नहीं रहा है तो वो जन सोसाइटी जबरदस्ती पूरी कम्युनिटी पर थोप नहीं सकती, जबरदस्ती नहीं मनवा सकती। सबसे बड़ा आपने सावधान हो जाए, उनकी दुकान नहीं चलेगी। जी जी, उनकी दुकानों में ताला लगेगा और अच्छी बात यह है कि वो अपनी दुकानों में खुद ही ताला लगा लें, जितनी भी दारुल कज़ा चल रही है वो खुद बंद कर दें, और अगर नहीं बंद की जाएगी तो अब सरकार से हमारी अपील है और हमारी पूरी लड़ाई रहेगी कि दारुल कज़ा बंद होनी चाहिए। जब तक दारुल कज़ा नहीं बंद होगी औरत जो है वो कोर्ट का रास्ता नहीं लेगी, वो इन्हीं दारुल कज़ाओं का शिकार बनेगी। मैम थोड़ा इधर भी देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा और देख लीजिए। सरकार के लिए कहा गया है कि वो इस पर जो है लॉ फ्रेम करे, लॉ फ्रेम करे। ये मैंने कहा देखिए रोक तो लग गई है, एक मोहर लग गई है, मोहर लग गई, लेकिन इसके लिए ये कंट्रोल तभी हो पाएगी जब इस पर कानून बनाया जाएगा। मतलब एक रास्ता दिखाया, डायरेक्शन तय हुई है, डायरेक्शन तय हो गई है कि किस वे में ये चीजें डिसाइड होंगे, तो अब सरकार को भी आसानी हो
होगी इस पे कानून बनाने में, उसको भी एक दिशा मिल गई है। अब अगर वो कानून बनाती है तो उस पर कोई धब्बा नहीं लगेगा। यदि मुल्ला ये बात नहीं कह सकते कि मुसलमानों के साथ ज्यादा हो रही है, ये कोई ज्यादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, उससे ये वर्डिक्ट है कि इसमें करार दिया है 6 महीने के भीतर कानून बनाएगी सरकार। लेकिन वकील जो एक बोल रहे थे, क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसको गैर इस्लामिक और गैर कानूनी करार दिया गया है। 5 जजेस की जो संवैधानिक पीठ थी उसमें से 3 जजेस ने संवैधानिक करार दिया है। इसका साफ साफ सा मतलब यह है, साफ सा फैसला यह है कि 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया है। यानी कि आज से यदि कोई 3 तलाक देता है तो वो नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ गया है कि 3 तलाक अवैध घोषित कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार कानून बनाए। लेकिन चूंकि माइनॉरिटी का ये फैसला है इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो अहम फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया है और ये कहा है कि ये गैर इस्लामिक और गैर कुरानी है। यानी कि जो बात याचिकाकर्ता ने, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल तलाक एंड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक हैज बीन सेट असाइड। 3-2 की मेजोरिटी से ट्रिपल तलाक को आज की तारीख से अवैध करार दे दिया गया है। क्या 6 महीने के लिए किया गया? नहीं, हमेशा के लिए। चीफ जस्टिस साहब का एक माइनॉरिटी ओपिनियन है जिससे जस्टिस नजीर को इत्तेफाक है, उसमें उन्होंने यह कहा कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि आर्टिकल 25 ये एक एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस है और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन मिला हुआ, इसलिए अन इस्लामिक नहीं है। तो आपने सुना, आज से 3 तलाक अवैध घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया है। 3 जजेस ने कहा है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जिस आर्टिकल 25 का हवाला दिया जा रहा था, रिलीजियस और जो फेथ होता है उसके ऊपर ये बहस चल रही थी कि क्या ये मौलिक अधिकार के तहत आता है, क्योंकि बहस में यही हो रहा था कि क्या ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। तो जो संवैधानिक असंवैधानिक घोषित किया गया है, जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि यह असंवैधानिक है, यानी कि इसको मौलिक आधार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये एक बड़ा और तारीखी फैसला, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जिसमें से 5 में से 3 जजों ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। और आज पूरे देश की निगाहें जिस फैसले पर लगी थी वो फैसला आ चुका है। और मैं इसके साथ कुछ और भी जोड़ दूं कि 22 देशों में इसको मान्यता नहीं है, जो कि सारे के सारे इस्लामिक देश हैं वहां भी मान्यता नहीं है। और अब देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक अवैध है। ये एक बड़ा फैसला आया है, 5 से 3 जजों की खंडपीठ ने कहा, जो संवैधानिक खंडपीठ थी उसने कहा कि ये फैसला असंवैधानिक है। बड़ा फैसला और बड़ी राहत उन औरतों के लिए जिनके साथ अत्याचार किया गया था, जिनको इस 3 तलाक की वजह से दंश झेलना पड़ा था तमाम परेशानियों का। और एक बार फिर से सुनते हैं कि वकील आखिरकार के पूरे के पूरे फैसले पर क्या बोल रहे हैं। एक जो है कार्रवाई शुरू कीजिए कानून बनाने के लिए, उसके साथ ये कहा है कि अगर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस कानून के ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक जो है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं, तब तो जब तक वो कानून पास नहीं हो जाता तब तक वो इंजंक्शन चलेगा। लेकिन अगर उसके ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक को अपहोल्ड किया जाए तो बस उसी वक्त वो इंजंक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें बेमायने इसलिए हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेजॉरिटी जजमेंट विल रूल, द जजेस जजमेंट ऑफ द 3 जजेस जिसके बेसिस पे फाइनल ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर ये है कि ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड फ्रॉम टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट जजेस। तो सीधे सीधे आपने सुना कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने कहा है कि असंवैधानिक है 3 तलाक, यानी कि 3 तलाक आज से देश में
अवैध घोषित होता है और उन महिलाओं की ये जीत है, उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी फतेह है जिन लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का ये नतीजा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये कहा कि तीन तलाक को आर्टिकल 25 के तहत डिफाइन नहीं किया जा सकता और ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आ सकता। तीन तलाक अवैध घोषित हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक अवैध है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं पीछे की बात करूं तो 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित कर लिया था और उसके बाद आज का दिन मुकर्रर किया था कि आज वो फैसला सुनाएगी, तीन तलाक पर फैसला सुनाएगी। पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई थी कि आखिरकार तीन तलाक पर किस तरह। देयर आफ्टर ही सेड दैट सिंस ऑल पार्टीज आर यूनानिमस एंड एड इडेम on the fact that triple talaq is a bad practice and ought not be followed in Islam, we exercise our jurisdiction under Article 142 and direct the government of India to legislate a proper statute within 6 months to reconsider this, because all countries, including theocratic and Muslim countries, have done so. We expect that the government will do it soon. Until such time as the government does this, there would be an injunction on husbands pronouncing triple talaq on their wives. It means they set aside the triple talaq. No, they have not set it aside. They have injuncted it for 6 months. This is the minority judgment. The majority judgment has been, there are two separate majority judgments which have been pronounced by Justice Kurian Joseph and Justice Nariman. Justice Joseph has in terms held that triple talaq is not an essential part of Islam and therefore it enjoys no protection in Article 25. He has set it aside. Justice Nariman has also in terms held that, in fact, he has said that triple talaq is part of the 1937 Act, the Shariat Application Act, and therefore something which is part of the Shariat Application Act can always be tested on constitutionality, and he has set it aside as unconstitutional. तो आपने सुना कि किस तरह से इस पूरे जजमेंट को बताया है कि जो ये कहा है कि 6 महीने के लिए जो तलाक है, 6 महीने के लिए जो तलाक है उस पर रोक लगा दी गई है, तीन तलाक पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब फैसला बिल्कुल साफ है कि तीन तलाक अवैध घोषित कर दिया गया, तीन तलाक अवैध घोषित किया है। अब हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास। अब हम सीधे चलते हैं झांसी अपने संवाददाता के पास जो कि तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं। आज लेकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनमें किस तरह की खुशी है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मैं आपको बता दूं कि झांसी में मुस्लिम महिलाएं जो हमारे पास खड़ी हुई, जो फैसला कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन महिलाओं का ये कहना है जो कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला है और इसका हम स्वागत करते हैं। अगर ये फैसला हमेशा की तरह हम बना रहे तो और बहुत अच्छा लगा। हम महिला से बात करते हैं। ये कोर्ट का जो फैसला आया है इसमें बताया गया है कि हम तीन तलाक का जो फैसला है उसको रद्द करते हैं। क्या मानना है आपका, सही है गलत है? सही है यह फैसला बिल्कुल। 6 महीने जो तलाक हो रही है, जो कभी नशे में आते हैं वैसे करके आते हैं आदमी जो तलाक देते हैं, वो बिल्कुल गलत था। ये कोर्ट का फैसला है जो है वो सही है बिल्कुल। हम लोग इसकी इज्जत करते हैं, ये फैसला जो आया है। हमारे साथ एक महिला और हैं जो मुस्लिम महिला, इनसे पूछते हैं आपकी क्या राय है, ये कोर्ट का फैसला क्या सही मानती है, स्वागत करती है इसका? क्या इसको गलत है? सही है, कोर्ट का फैसला सही है। जो भी हम भी इसकी इज्जत करते हैं, औरतों को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। आदमी आते तलाक दे के चले जाते जो बहुत गलत है। हमारे साथ और भी हैं जो बुजुर्ग महिला हैं, इनसे बात करते हैं। जो कोर्ट का फैसला है को क्या मानती हैं आप? सही मानते हैं बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आजकल इतना अन्याय हो रहा है कि आते घर में बैठे। क्या मुसीबतें आपने झेली हैं बताइए? बहुत मुसीबतें झेल देख रहे हैं और झेली हैं। अपने अपना तो अल्लाह का सही है करे, लेकिन जो बच्चों को देख रहे हैं वो बहुत परेशानियाँ देखी जा रही हैं और वो कोई वही नहीं है उसका परेशानी का हल। आते और आदमी उनके कुछ भी मतलब किए जाते कर जाते चल देते, अपने कौन कुछ कहने वाला सुनने वाला रहे। और भी हमारे साथ जो मिश्रित महिलाएं हैं जो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात आइए आइए आइए, हम आपसे इनसे पूछते हैं, इधर आइए। हम पूछते चलते हैं मानस श्रीवास्तव के पास जो कि हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। मानस, जो आज ये फैसला आया है, इस फैसले को लेकर अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि
तीन तलाक अवैध घोषित कर दिया गया है। आप पूरी तफसील से बताइए, विस्तार से बताइए कि आखिरकार क्या फैसला आया और किस किन किन जजेज ने अपना क्या रुख अपनाया है इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मिला करके कुल 5 जजों की खंडपीठ थी जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर। और इसमें चूँकि पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार शरीयत का हवाला दे रहा था और ये कह रहा था कि ये शरीयत का मामला है और पर्सनल लॉ के तहत ये उनका अपना शरीय मामला है, इसलिए उसमें कोई कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से ये जो याचिका थी उसको एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद उस पर सुनवाई शुरू हुई। बीच में आपने ये भी देखा होगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड की जो तमाम बैठकें हुई इस बीच में, उसमें इस मुद्दे को बार बार उठाया गया और ये कहा गया कि जो तमाम सुधार हैं तीन तलाक के मुद्दे पर वो किए जाएंगे, महिलाओं की भी राय ली जाएगी, महिलाओं के पक्ष को भी सुना जाएगा और जो दारुल कज़ाएँ होती हैं जो उसमें भी जो है वो बदलाव करेंगी और ये कोशिश करेंगे कि जो सुधार है जो ट्रिपल तलाक के मामले में वो हो जाए। लेकिन आपने देखा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 5 जो सदस्यीय पीठ थी उसमें से 3 यानी बहुमत के हिसाब से ये तय किया गया, जो बहुमत था वो इस बात को लेकर के था कि ट्रिपल तलाक अवैध है और उसको अवैध माना जाना चाहिए, इसको लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने ये भी अपेक्षा की है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वो कानून बना करके इसको लागू करें। लेकिन फिर भी कानून अगर जब बनेगा तब बनेगा वो अलग की बात है, लेकिन जो जजों का बहुमत है वो इस बात को लेकर के है कि ये महिलाओं के हक के खिलाफ है और इसमें तमाम महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। आज इस देश में जब हम आधी आबादी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा तबका महिलाओं का इससे वंचित ना रह जाए। तो जजेस की अपनी अलग अलग राय थी, लेकिन चूँकि 5 सदस्यीय पीठ थी तो 3 ने जो फैसला दिया उसको बहुमत का फैसला माना जाएगा और बहुमत इस बात को लेकर के है कि ट्रिपल तलाक अवैध है, वो इस देश में लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये महिलाओं के हक के खिलाफ है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। शुरुआती जो फैसला जो हम लोगों के पास आया था, दरअसल वो 2 जजों का फैसला था जिसको लेकर जिसमें ये इस तरह की बात की गई थी कि जो ट्रिपल तलाक है वो बना रहेगा। लेकिन जैसे ही ये 5 जजों का फैसला आया उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। 5 में से 3 जजेस ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है ये। बिल्कुल मानस, महिलाओं के लिए बड़ी खबर है और महिलाओं के साथ साथ पूरे देश के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिलती थी, तस्वीरें सामने आती थी कि 3 तलाक दे दिया गया और अचानक से एक औरत की पूरी जिंदगी बदल गई। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो 3 जजेस की पीठ ने कहा है उसके जो मुख्य बिंदु हैं, यदि आप ये दर्शकों को विस्तार से बता पाएं कि जो मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु क्या क्या हैं। क्या वो खत्म हो गया क्या? क्यों नीतीश को बुलाओ, नीतीश को लगता है मानस से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब नीरज पांडे के पास चलेंगे हम दोबारा से अपडेट लेने के लिए। नीरज, अब तस्वीर साफ हो चुकी है और ये तस्वीर बताती है कि भारत के अंदर 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे पूरा जजमेंट कि क्या कहा है 3 जजेस ने और बाकी 2 जजेस ने किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया दी है जजमेंट में। देखिए, चीफ जस्टिस जस्टिस केहर और 2 जजेस नरीमन और कुरियन दोनों ने साफ किया है इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, किसी के मूल अधिकार के साथ हनन है तो इसे मतलब न्यायिक नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए उन्होंने 6 महीने के लिए इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी और एक गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि 6 महीने के अंदर आप कानून बनाइए और आप कानून बनाकर इसे लागू कीजिए, क्योंकि साफ सी बात है कि कोर्ट किसी को पर कानून नहीं थोप सकती ना कानून ला सकती। कानून लाने का जो काम है वो संसद का ही है, तो उन्होंने एक तरह से डायरेक्शन दिया है संसद को और एक रास्ता दिखाया है। क्योंकि 6 महीने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक पे पूरी तरह से रोक लगा के एक बात बताई है कि ट्रिपल तलाक सही नहीं है, समझ नहीं है और
कानून बनाए इस पर सरकार कानून बनाकर तय करे कि ट्रिपल तलाक नहीं होगा। ये अलग बात है कि दो जजेस की जो खंडपीठ थी, दो जजेस इस पर एकमत थे कि किसी के शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं की जा सकते, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा, लेकिन उन्होंने भी माना है कि किसी के मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। महिलाओं का भी मौलिक अधिकार होता और महिलाओं को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़कर देखा जा सकता। महिलाएं महिलाएं होती हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म की हो, तो महिला महिला होती है और उसके सबके अधिकार मूल अधिकार एक होते हैं और महिलाओं की अपनी इच्छाएं होती है। तो साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए तो कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है, सरकार के पाले में गेंद डाल दी है, अब सब कुछ सरकार के पाले में और सरकार को करना है कि वो इस पर किस तरह से रास्ता लाती है। और पहले ही सरकार ने एफिडेविट दाखिल कर दिया है कि यदि कोर्ट उनसे कहता है तो वो इस पर कानून लाने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन 6 महीनों के दौरान क्या कानून लेकर आती है, उसमें क्या क्या प्रावधान रखती है, महिलाओं के लिए किस तरह के अधिकार सुरक्षित रखती है और शरीयत को भी। नीरज ये बताइए कि एक तरफ आपने ये बताया कि जो 3 जजेस की खंडपीठ है उसने ये कहा कि ये 3 तलाक अवैध है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब इसको अवैध घोषित कर चुका है, और जो माइनॉरिटी जजमेंट है उसने ये कहा था कि 6 महीने के लिए तलाक पर रोक लगाई जाती है और ये असंवैधानिक नहीं है, और इसके अलावा 6 महीने की बात की थी कि 6 महीने के अंदर सरकार कानून बनाए, लेकिन मेजॉरिटी ने तो ये घोषित कर दिया कि 3 तलाक अवैध है, तो मेजॉरिटी का ही जजमेंट माना जाएगा। तो केंद्र सरकार 6 महीने में कानून बनाए या ना बनाए तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कोर्ट ने जो मेजोरिटी जजमेंट आया, मेजोरिटी जजमेंट का आदेश यही है कि ये ट्रिपल तलाक वैध नहीं है। अब 6 महीने का उन्होंने समय दिया सरकार को कि 6 महीने में आप कानून लेके आइए और वो कानून लागू कीजिए, क्योंकि जो देश की आवाम है उसको चलाती सरकार है, संसद चलाती है, और कानून बनाने का भी जो अधिकार है वो संसद को है। संसद की जो चुनकर सांसद आते हैं वो उनकी जो मेजोरिटी फैसला लेती है और कानून पर मुहर लगाती है, वही कानून में संविधान में जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर कोर्ट चलती है। तो कोर्ट ने अपना एक डायरेक्शन तो दे दिया कि यह ठीक नहीं है, इसको वैध नहीं माना जा सकता, लेकिन अब चूंकि सरकार के पाले में सारी बातें हैं तो सरकार को भी तय करना है कि कानून वो क्या लाते हैं, कैसे महिलाओं के उन अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, शरीयत को भी चूंकि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि दो जस्टिस इसमें साफ तौर पर इस बात के लिए तैयार थे कि शरीयत है, जो शरीयत है शरीयत को आप नकार नहीं सकते, उनकी उनके धर्म की। हम अपडेट लेते रहेंगे, हमारे साथ मेरठ से शोएब जिया मौजूद हैं जो कि कुछ पीड़ित महिलाएं हैं जो 3 तलाक के दंश से पीड़ित थी, उनके साथ वो मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार आज ये जो फैसला आया है उसके बाद उनको लगता है कि उनके जो हक की लड़ाई है, हक की आवाज है, और हक की आवाज के साथ साथ जो एक दंश वो झेलती आ रही थी और आसपास वो ये देख रही थी कि कोई उनके लिए मदद के लिए नहीं आता है, क्योंकि उसके आगे तमाम तरह के धर्म के जो कुछ पहलू थे वो आड़े आ जाते हैं और वो सिर्फ न्याय की तलाश में दर दर भटकती हैं, उसके बाद आवाज़ उठाई गई और आवाज़ उठाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 3 तलाक असंवैधानिक है और अवैध है। शुएब, जो महिलाएं हैं आपके साथ, पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले को लेकर? जी हम ये जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं, इनका कहना है कि ये जो फैसला हुआ ये हमारी इसको सही भी ठहरा रही हैं और कुछ महिलाएं इसको गलत भी ठहरा रही हैं। हमारे साथ महिलाएं, हम बात करेंगे। सर ये जो 3 तलाक था देश में, ये होता था कि किसी भी मर्द ने 3 तलाक दिया और औरत अपने घर जाए, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दी, काफ़ी समय से इसमें राजनीति हो रही थी, अब कहा गया कि 6 महीने तक कोई 3 तलाक नहीं दे जाएगा, क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा और सही फैसला लिया है और ऐसा ही होना भी चाहिए। मतलब अभी तक जैसे एक झटके में जिंदगी खत्म, अब केंद्र सरकार इसमें 6 महीने में कानून बनाएगा, तो अच्छा किया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस फैसले से सहमत हैं? जी जी, आप तो काफी पहले से हैं और काफी समय है आपका, उम्र भी है आपकी, तो जिस तरह से ये फैसला आया है, आपने दीन को काफी करीब से जाना भी है, आपके बारे में जानता हूँ, तो इस फैसले पर आप क्या कहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 6 महीने तक हमारे देश के अंदर कोई 3 तलाक नहीं दे पाएगा, क्योंकि महिलाएं महिलाएं होती हैं। शुएब, मैं आपको थोड़ा सा सही करना चाहूंगा। शुएब, मैं आपको थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक अवैध है, 6 महीने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो मेजोरिटी जजेस का फैसला आया है वो ये आया है कि 3 तलाक अवैध है,
यानी कि आज से भारत के अंदर तीन तलाक को तलाक दे दिया गया है। ठीक है, तीन तलाक जो है उसको बिल्कुल तलाक दे दिया गया है। अब हमारे देश के अंदर कोई तीन तलाक नहीं होगी, जिससे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होती थी, तो इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसमें संसद में कानून बनेगा, क्या कहें? संसद में जो कानून बनेगा वो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा, और कोर्ट ने जो हमारे लिए फैसला सोचा है ये बहुत ही अच्छा किया। श्वेब, मैं अभी आपको रोकना चाहूंगा। नीरज पांडे के साथ वकील मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट में रखा, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, नीरज आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी समस्या, इस वजह से हम लोग का संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिरंगी महली, जिनसे अभी हम लोग सुबह बात कर रहे थे, उनके साथ बात की हमारे संवाददाता फरमान अब्बास मंजुल ने। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, जो भी फैसला आया है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का है, हम लोग इस सर आँखों पर हम लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसको हमारे बोर्ड की लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी। उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग 10 सितंबर को बोर्ड के सदर मोहतरम और जनरल सेक्रेटरी साहब ने भोपाल में कन्वीन की है, और वहाँ पे फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। जिस तरह से जो फैसला आया है, असंवैधानिक बताया है इस पूरे जो तीन तलाक है उसको? नहीं, इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि कम से कम दो जज साहबान ने शायद ये बात कही है, अगर सही है, सही मालूमात की बुनियाद पर है, कि हम लोग पर्सनल लॉज में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, इसका हम लोग वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, जिनका कहना है कि जो फैसला है उसके ऊपर अब भोपाल की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ फरमान अब्बास, भारत समाचार, लखनऊ। एक बार फिर से सुनते हैं फिरंगी महली क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब वो ये बात कह रहे हैं कि जो भी फैसला आया है वो उनको मंजूर है, लेकिन स्टडी करेगी, यानी कि जो बोर्ड है वो स्टडी करेगी। एक बार फिर से सुनते हैं कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस फैसले के बाद जो सबसे पहली प्रतिक्रिया भारत समाचार पर दी है वो क्या दी है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, जो भी फैसला आया है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का है, हम लोग इस सर आँखों पर हम लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसको हमारे बोर्ड की लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी। उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग 10 सितंबर को बोर्ड के सदर मोहतरम और जनरल सेक्रेटरी साहब ने भोपाल में कन्वीन की है, और वहाँ पे फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। जिस तरह से जो फैसला आया है, असंवैधानिक बताया है इस पूरे जो तीन तलाक है उसको? नहीं, इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि कम से कम दो जज साहबान ने शायद ये बात कही है, अगर सही है, सही मालूमात की बुनियाद पर है, कि हम लोग पर्सनल लॉज में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, इसका हम लोग वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, जिनका कहना है कि जो फैसला है उसके ऊपर अब भोपाल की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ फरमान अब्बास, भारत समाचार, लखनऊ। तो आपने सुना भारत समाचार पर सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहली प्रतिक्रिया जो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की थी वो ये थी कि हम स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद बताएंगे, और वो कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। मेरे साथ सुफियान साहब मौजूद है। सुफियान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सुफियान साहब, आज फैसला आ गया है कि तीन तलाक को तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अब कोई भी तलाक 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 कहकर किसी औरत को अचानक से उसकी अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं कर सकता। नहीं, देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों के और हमारे सराखों पर है, और फाजिल जजों ने, जज साहिबान ने जो बात कही है बिल्कुल वो संविधान के दायरे में बात कही है। हाँ, एक बात ज़रूर इतनी अर्ज करता चलूँ कि जो दो हमारे जज साहिबान हैं, जस्टिस नज़ीर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खेहर साहब, ने इस बात को माना है कि ये पर्सनल लॉ का हिस्सा है, ये असंवैधानिक नहीं, लेकिन ये प्रिवेल नहीं करता है जजमेंट में। सुफियान साहब, मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा, ये प्रिवेल नहीं करता है, क्योंकि मेजॉरिटी का जो जजमेंट होता है वो माना जाता है, जो इंडिविजुअल जजमेंट है वो प्रिवेल नहीं करता। जब जजेस की खंडपीठ होती है तो उसमें कहा जाता है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है वही लागू होगा, जो आगे की भी नजीर बनेगी वो उसी के आधार पर बनेगी।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कोई बात कह रहे हैं। हमने सिर्फ इस बात को कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई बात कह रहा है तो जाहिर है वो भी कानून के दायरे में ही रहकर कह रहा है। अब जब ये फैसला आया है, इस फैसले को पर्सनल लॉ बोर्ड स्टडी करेगा। इस फैसले के जो भी नुकात हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उस पर जाहिर है कि गौर किया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सारे मुसलमान और इस मुल्क के तमाम लोग बिल्कुल उससे एग्री हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई मुखालिफत नहीं करते हैं, लेकिन आगे जो भी कन्फ्यूजन है कि ये संवैधानिक है और असंवैधानिक नहीं है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है सुफियान साहब, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। साफ साफ तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया है, असंवैधानिक, हिंदी में उसे कहते हैं असंवैधानिक, और अंग्रेजी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है, जजमेंट जो प्रिवेल करेगा वो ये कहेगा कि ये तीन तलाक अवैध घोषित कर दिया गया। और मैंने जैसे साधारण भाषा में आपको बताया कि तीन तलाक को अब तलाक हो चुका है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं। हमारे पास से पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं, और मेजॉरिटी नहीं, मुझे लगता है 100% महिलाएं इससे खुश हैं कि जिस जो तरीका अपनाया जा रहा था तीन तलाक का, कि तीन तलाक बोला उसके बाद आपने उसको जिंदगी से बेदखल कर दिया और अचानक से वो सड़क पर आ गई, ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि आप भी खुश होंगे सुफियान साहब। नहीं देखिए, हमें शुरू से इस बात तरीके पर इसके एतराज था, तरीके पे हम कभी भी राजी नहीं थे कि जो तरीका अपनाया जा रहा है। हमारा ये कहना था कि ट्रिपल तलाक इन वन गो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन हाँ उसका जो तरीका इख्तियार किया गया है वो गलत हो सकता है। अब ये फैसला आया है, इस फैसले के अंदर जाहिर है कि मीडिया अभी इस पर हम और आप बैठकर बहस कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसको स्टडी करेगी, और किन किन पहलुओं पर हमारे फाजिल जज साहिबान ने बात की है वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में और पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि किन किन बातों की तरफ इशारा किया गया है। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जब यह असंवैधानिक है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो केंद्र सरकार इसमें क्या बनाएगी, तो अब तो कानून लाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहयोग करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, तो अब तो आप भी सहयोग करेंगे। और मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि सुफियान निजामी साहब, आप इस फैसले से खुश हैं, तमाम जो देश भर की महिलाएं हैं वो तो खुश हैं, तो आपको भी खुशी है इस फैसले से? नहीं, मैं एक पक्षकार के नाते इस फैसले की इज्जत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले का सम्मान करता हूं। खुशी की बात पूछ रहा हूं निजामी साहब, आप देश के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे तो खुशी होगी, मुझे लगता है महिलाएं भी खुश होंगी कि सुफियान निजामी साहब ने कहा कि वो भी खुश हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मेरे आपके घर में भी बहने हैं, खुशी और ना खुशी की बात नहीं है, जो भी जी मेरे और आपके घर में भी जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम उस हमारी खुशी से और हमारी ना खुशी से इस मुल्क की जनता को कोई लेना देना नहीं है। अरे बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, आप इस देश के नागरिक हैं निजामी साहब, आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, बिल्कुल लेना देना है, मेरा लेना देना है, मेरे साथ जो यहाँ पर पैनल में लोग बैठे हैं उनका लेना देना है, और आप एक आवाज हैं, आप जो मुस्लिम तबका है उसकी आवाज उठाते हैं, तमाम करोड़ों महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आपको देख रही होंगी, वो ये जानना चाहती हैं कि सुफियान निजामी साहब इस फैसले से खुश हैं कि नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस फैसले को अभी हमने सही से स्टडी नहीं किया है, इस फैसले में क्या क्या बुनियादी चीजें रखी गई। इतनी जल्दी पर्सनल लॉ बोर्ड के अगेंस्ट जाकर कोई कमेंट कर देना, मैं अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, देश का नागरिक हैं आप, क्या आपको लगता है कि ये ठीक हुआ है तीन तलाक जो अचानक से दे दिया जाता था मैसेजेस पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे? पर्सनल राय से कोई लेना देना नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मैं किस चीज से खुश हूँ ना खुश हूँ, इससे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, जानना चाह रहा था क्योंकि आप एक देश के संभ्रांत नागरिक हैं, और आपकी मेरी प्रतिक्रिया यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल जो फैसला आया है उस फैसले से हम लोग सहमत हैं, और उस फैसले के बाद जो भी तथ्य निकलते हैं, जो भी चीज़ें निकलती हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड उस पर बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान निजामी साहब, हम आपसे आगे भी बात रखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जब आपने स्टडी कर लिया होगा उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी आती है, क्या आप खुश हैं कि फिर
क्या फिर आप इस फैसले को लेकर अभी और पढ़ाई करेंगे, इसका जजमेंट को और तफसील से पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे? लोकेश राय हैं हमारे साथ गाजियाबाद से। लोकेश, आपके साथ तमाम महिलाएं हैं, उन महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि पूरे देश से हमें अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आपके पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, उनका क्या कहना है इस जजमेंट आने के बाद? श्रेय जी, इस जजमेंट के बाद महिलाओं में खुशी का माहौल है, क्योंकि साफ तौर पर सैकड़ों साल से जो एक जो कानून चला आ रहा था तीन तलाक को लेकर के, कुप्रथा कहा जाए, तो वो जो है वो काफ़ी हद तक अब ख़त्म की जा चुकी है, ये फैसला साफ हो चुका है और महिलाओं के राय जाना चाहेंगे। मैडम आप बताइए, तीन तलाक बिल्कुल पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया है, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मैं ये सोचती हूँ जो भी है फैसला अच्छा लिया है। इसके अलावा चूँकि महिलाओं की एक केवल तीन शब्द जो है महिलाओं की ज़िंदगी बदल देते थे, खुद आप महिला हैं, क्या लगता है आपको कि ये वाकई ठीक हुआ और महिलाओं की ज़िंदगी में किस तरीके से सुधार अब आएगा, क्योंकि 22 मुस्लिम देश इसको पहले ही डिनाई कर चुके हैं, इस कानून को ख़त्म कर चुके हैं? देखो, मेरा मानना ये है कि ये जो पहले था ये ठीक नहीं था, जो फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने वो सही लिया है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आप बताइए मैडम कि किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को देखती हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अब असंवैधानिक करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और पांच जो जजों की बेंच थी उसमें से तीन जजेस की मेजोरिटी के बेंच ने ये कहा है कि ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसको अब खासकर सरकार जो है सरकार के पाले में गेंद फेंकेगी, वो इसको लेकर के कानून बनाए, आप कितनी सहमत हैं इस फैसले से और कैसी, पहले सबसे पहले महिला के तौर पर आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो कहते हैं जो है अभी माननीय न्यायालय की जो है मेजॉरिटी बेंच ने जो है ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, मैं उसका सम्मान करती हूँ और पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि ऐसे जजमेंट में माननीय न्यायालय ने संविधान की आत्मा का सम्मान किया है। अगर हम संविधान को गौर से देखें तो संविधान में हमें हर भारतीय नागरिक को, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और मौलिक अधिकारों में भी सबसे अहम बात यह है कि हर इंसान को, हर नागरिक को जीने का अधिकार है, राइट टू लीव है, लेकिन राइट टू लीव में भी सबसे बड़ी बात है कि लीव विद डिग्निटी है, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। अब हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, अगर हम ट्रिपल तलाक को लेते हैं तो जीने का अधिकार तो है लेकिन वो गरिमा खत्म हो गई, डिग्निटी खत्म हो गई। जब डिग्निटी खत्म हो गई है तो हमारी राइट टू लीव विद डिग्निटी का कहीं कोई मतलब नहीं। आपके साथ और भी महिलाएं, उनसे बात कीजिए, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया है इस पूरे फैसले पर। ये जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आप बताइए, फैसला आया है, करीब सैकड़ों साल की ये प्रथा जो चली आ रही थी इंडिया के अंदर वो खत्म हो गई है, महिला होने के नाते पहला रिएक्शन, लीगल एडवाइजर होने के नाते सेकेंड। जी, महिला होने के नाते मैं सम्मान करती हूँ अपने अपेक्स कोर्ट का कि हमारे अपेक्स कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है, ये इसको असंवैधानिक घोषित करना ही था और करना कर दिया, बहुत अच्छा किया। और रही बात लीगल एडवाइज़र के नाते, उस नाते भी बहुत अच्छा किया है अपेक्स कोर्ट ने, मैं इसका सम्मान इसलिए करना चाहती हूँ कि एक औरत जो है वो बिल्कुल बेसहारा हो जाती थी तीन तलाक मिलने के बाद, उसके पता नहीं मायके वाले हैं नहीं हैं, वालिदैन हैं नहीं हैं, वो बिल्कुल बेघर बेसहारा हो जाया करती थी। अच्छा, आप खुद एक एडवोकेट हैं तो ये जानना चाहूँगा कितने मामले इस तरीके के आपके पास आते थे, क्योंकि हाल फिलहाल तो बहुत सारे मामले, कई मामले घरों में दब जाते थे, रिपोर्ट ही नहीं हो पाते थे। हाँ, लेकिन ऐसे मामले मेरे पास बहुत आए हैं और आते भी रहते हैं, जिसमें कि हस्बैंड अचानक आता है और कहता है नहीं जी हमें तलाक देना है, हमें तो उसको रखना ही नहीं है अपनी वाइफ को, भैया क्या बात हो गई, कैसे हैं, थोड़ा सोच लो समझ लो फैसला कर लो, नहीं ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा। फैसला मैडम, सवाल ये है कि फैसला तो आ चुका है, लगता है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो लाइफ स्टाइल है मुस्लिम महिलाओं की, जो दबी कुचली एक कहा जाता था कि इस तरीके से रखा गया है, फैसले थोप दिए जाते थे, उसमें सुधार आएगा, एक महिलाओं को अलग से फ्रीडम मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। सर लेकिन जैसे ये जजमेंट जो है जो यूनानिमसली नहीं आया है, 3-2 की उससे आया, जिसमें कि सीजीआई जो उनके कैरियर का ये लास्ट फैसला होने वाला है वो माइनॉरिटी ने गया, लेकिन सीजीआई ने कहा कि जो माइनॉरिटी व्यू है जस्टिस नजीर का और चीफ साहब का, वो ये है कि ये एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है, सो इसलिए आर्टिकल 25 से प्रोटेक्टेड है, तो इसलिए हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते बाकी से।
ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम लेजिस्लेचर करेगी, कोर्ट्स नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी आर्टिकल 142 में पावर एक्सरसाइज करके, क्योंकि उनके दिल से उनको ये लगा कि ये चीज गलत है, तो उन्होंने 6 महीने के लिए इंजंक्शन दिया है कि इंडिया में कहीं ये नहीं हो सकता, और एक डायरेक्शन दे दिया लेजिस्लेचर को कि आप लेजिस्लेट कीजिए इसके ऊपर कि इसको ये मुद्दों को कोर्ट्स के डोमेन में नहीं। तो आपने सुना कि जो वकील साहब हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरे जजमेंट को तफसील से बताया कि किस तरह से जो माइनॉरिटी जजमेंट आया वो क्या है, जो जस्टिस चीफ जस्टिस केहर हैं उन्होंने क्या कहा, और उनके एक साथी जज नज़ीर जो हैं उन्होंने क्या कहा, बाकी 3 जजेस ने क्या कहा। ओम माथिर साहब का ट्वीट आया है, इस ट्वीट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आई है उनकी इस ट्विटर ब्रेकिंग में, पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये असंवैधानिक घोषित किया है, ये जानकारी ओम माथुर ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है, यानी कि सदा सदाया एक ट्वीट जानकारी ओम माथुर जी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने यह असंवैधानिक घोषित किया है, ये ट्विटर आया है। ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल गैर इस्लामी है, गैर कुरानी है,